अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है सुलेमान खान और आप सब देख रहे हैं सुलेमान खान गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से पीसी बिल्डिंग सिमुलेटर के एक न्यू एपिसोड में हाजिर हैं, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम अपने पीसी के स्क्रीन पर आ गए हैं, तो सबसे पहले हम मेल्स को चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला मेल है, व्हाट्सअप बिल्ड मी अ पीसी, आई नीड अ न्यू रेग। ओके, तो इसके लिए हम न्यू पीसी बनाएंगे। तो अच्छा, और ये इसका रिक्वायरमेंट है, पीसी कैन प्ले F1 2017 मिनिमम स्पेसिफिकेशन। इसका बजट है 1750, ठीक है, और हमारा जो लेबर होगा वो 352 रुपये होगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, गो टू वर्ड बोर्ड पे चलते हैं। इसका जो है वो कार्ड हम इधर रख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले F1 2017, ओके, तो हम इट विल रन में हम करेंगे, ठीक है, मिनिमम स्पेसिफिकेशन में। तो ये आप देख सकते हो, हमें ज़रूरत है रैम 8 GB का, वी रैम 4 GB का स्टोरेज, 30 GB का CPU, इंटेल कोर i5 और ग्राफिक्स कार्ड जो है वो NVIDIA GeForce GTX 980 का, ठीक है। तो हम अपने शॉप पर जाते हैं, ये इधर साइड में कर देते हैं। रैम हमें चाहिए 8 GB का, इसका बजट जो है वो है बजट 175, ठीक है। हम इसके बजट के हिसाब से चलेंगे, तो हमें चाहिए 8 GB रैम, तो ये 8 GB रैम हमने DDR4 का ले लिया है। ओके, स्टोरेज हमें चाहिए 30 GB, तो हम 500 GB से कम स्टोरेज नहीं है। और हमें चाहिए प्रोसेसर, प्रोसेसर हम इधर सर्च करेंगे, इंटेल कोर i5 6600K, ठीक है। तो ये हमारा रहा प्रोसेसर, हम इसको भी एड टू कार्ट करते हैं। ग्राफिक का हमें GeForce GTX 980 का चाहिए, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड GeForce GTX 980। ये हमारा सब जो है वो ग्राफिक्स कार्ड आ गए है, तो हम इसमें सबसे महंगा वाला लेंगे, ठीक है। ये रहा 9495 का, तो हम इसको भी एयर टू कार्ड करते थे। अच्छा, सब अब रह गया है, हमारा प्रोसेसर भी हो गया है इंटेल का। सीपीयू कूलिंग हम जो है वो RGB लगाएंगे, तो हमारा RGB वाटर कूलिंग बनाएंगे, ठीक है। लिक्विड कूलर जो है हम टू फ्रेंड्स का लेते हैं। मदरबोर्ड हम जो है वो GB के अलावा लेंगे, यही वाला हम महंगे वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि GB मदरबोर्ड में जो है वो रेजन का प्रोसेसर लगता है, ठीक है। इंटेल प्रोसेसर जो है वो इस आम मदरबोर्ड में लगता है, मेमोरी भी हो गया है। अच्छा, और ग्राफिक्स कार्ड, स्टोरेज और सप्लाई हमारा रही है, वो भी हम एक टू कार्ड कर लेते हैं। केस हमारा मेन चीज़ है, केस हम लेते हैं, कौन सा, यही वाला लेंगे, डायनेमिक RGB है, मैं टावर मदरबोर्ड मिनी PSU साइज, ओके, RGB का, ठीक है। हम इसको भी एड टू कार्ट कर देते हैं, केस में नहीं चाहिए क्योंकि केस में पहले से ही आता है। व्यू कार्ड पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा सब रहा इन्वेंटरी, हम इसको बाय कर देते हैं, सेम डे डिलीवरी, ठीक है, बाय नाउ, हमारा ऑर्डर आ गया है। हम अपने केस को, ये आप देख सकते हो, रेजन का केस है, ये आप देख सकते हो,
ओके, हम सबसे फिर फिल्डर को हटाएंगे, फिर साइड पैनल को। अब हम मदरबोर्ड जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ये आप देख सकते हो हमारा मदरबोर्ड। ओके, ये हमारा मदरबोर्ड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इंस्टॉल करेंगे प्रोसेसर इंटेल का। इसके ऊपर हम थर्मल प्लेट जो है वो लगाएंगे, फिर सीपीयू कूलिंग ओ डज नॉट फिट वाई। अच्छा, इसमें फैन का जो है वो जगह नहीं है, तो हम यही वाला आरजीबी तो लेंगे यार, आरजीबी कर लेंगे। सीपीयू कूलिंग ये क्या यार, यार मदरबोर्ड चेक करो, ब्यूटीफुल। ये सीपीयू कूलिंग क्या मसला है, लाइटिंग अच्छा, साइज शायद साइज का मसला हो। ये भी आरजीबी है, ये भी ट्राई कर देते हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, इसको हम फिट कर देते हैं। फिर हम रैम को लगाएंगे, 8 GB का रैम है, ठीक है। और हम ग्राफिक्स कार्ड को लगाएंगे, इसको भी अनइंस्टॉल कर देते हैं, इसको भी ग्राफिक्स कार्ड हो गया है। और हम स्टोरेज को इंस्टॉल करेंगे, स्टोरेज का इंस्टॉल करेंगे यार। हो गया हमारा, ये रहा, ठीक है। अब हमारा पावर सप्लाई रह गया है, तो पावर सप्लाई हमारा इधर लगता है, तो हम साइड पैनल को रिमूव करेंगे। ये हमारा पावर सप्लाई, ये रहा हमारा जो स्टोरेज था, ठीक है। हम साइड पैनल को वापस लगाते हैं और हमारा रह गया है, सब कुछ हो गया है कंप्लीट। ओके, तो अब हम इसमें जो है वो केबल्स कनेक्ट करेंगे। ये रहा हमारा केबल कनेक्ट, हो गया है। ये आप देख सकते हो पीसी कैन प्ले F1 2017 मिनिमम स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आप पीसी को चेक कर सकते हो या फिट। अच्छा, हम केबल्स को हटाएंगे यार, सब केबल को हटाइए, क्योंकि ये केबल्स इसमें फिट नहीं होता, फिट नहीं लगता, सॉरी। हम रेड केबल्स को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। अभी ठीक है यार। ओके, हम तो पीसी को जो है वो ऑन कर देते हैं, यूएसबी ड्राइव ओएस इंस्टॉलेशन के लिए हम पावर देते हैं। वाओ यार, ब्यूटीफुल यार, जीबी का केस भी आप लोग देख सकते हो यार। हम आपको दिखाएंगे विलेट रन में कि हमारा गेम जो है वो ठीक चल रहा है इसमें या नहीं, ठीक है। पीसी को रिस्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन F1 2, ओके, ये भी आप देख सकते हो मिनिमम स्पेसिफिकेशन।
ठीक है ना, ये रैम 8 GB नीडेड यू हैव, हमारे पास भी 8 GB है, वी रैम 4 GB नीडेड है, ज़रूरत है, और हमने 6 GB लगाए। ठीक है, स्टोरेज 30 GB है और हमने 500 GB लगाया इंटेल कोर i5, ये भी ठीक है। हमने ग्राफिक्स कार्ड जो है वो भी महंगा लगा लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। ओके, तो हम साइड पैनल लगाएंगे, ये रहा साइड पैनल, ये रहा टॉप पैनल, प्लेस इन द डिलीवरी एरिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ओके गाइस, तो हम इसको जो है वो डिलीवरी एरिया में रख दिए। हमने इसको ईमेल देखते हैं पीसी। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम अपने ऑर्डर को जो है वो कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, कंप्लीट बाय एंड ऑफ डे 2 डेज, इंस्टॉल द इंटेल पार्ट्स, आई ऑर्डर अ न्यू पीसी एंड दे डिड अ गुड जॉब, थैंक यू। हमने न्यू पार्ट जो है 1455 का ले लिया था। ठीक है, 352 जो हमारा लेबर है वो हमें मिल चुका है, रिव्यू भी आप लोग देख सकते हो, फुल रिव्यू इसने दे लिया है, सो थैंक यू। ओके, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। हमारा न्यू जो पार्ट्स है वो हमारे शॉप में आ चुके हैं। ओके, अब हमारा ऑर्डर रह चुका है डायग्नोज एंड फिक्स, डायग्नोज एंड फिक्स, डायग्नोज एंड फिक्स। तो हम इसको अगले एपिसोड में जो है वो फिक्स करेंगे। ठीक है, तो यार एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अल्लाह हाफिज़।